भागलपुर जिला के नगोछिया रंगरा के भवानीपुर केबिन पर कार्यरत सबरकारी टोला निवासी गेटमैन मुकेश कुमार मंडल हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। मामले में पुलिस ने भवानीपुर निवासी सौगंध कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। बात सामने आई है कि महज सिगरेट पीने के लिए पैसे नहीं देने पर अपराधियों ने गेटमैन को गोली मारकर हत्या कर दी और पुलिस को भ्रमित करने के लिए सबको केबिन रूम में सबको रख दिया। नगोछिया के एसडीपीओ दिलीप कुमार ने एक प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए कहा कि पुलिस ने सौगंध के पास से घटना में प्रयुक्त एक देसी कट्टा और दो जिंदा कारतूस भी बरामद किया है, जबकि पुलिस ने युवक से पूछताछ के बाद दावा किया है कि सौगंध ने अपना इकबालिया जुर्म भी कबूल किया है। आरपीएफ पुलिस की सूचना पर रंगरा पुलिस ने सौगंध को भवानीपुर गांव से गिरफ्तार किया है। एसडीपीओ दिलीप कुमार ने बताया कि 31 दिसंबर 2021 को वारदात के बाद से सौगंध अपने संबंधी के यहाँ रसलपुर गांव में और अपने ससुराल भागलपुर में रह रहा था। घटना के बाद भी पुलिस ने मामले का खुलासा कर लिया था, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो सकी थी। अब जब आरपीएफ पुलिस की नजर सौगंध पर पड़ी तो सूचना संबंधित थाने को दी गई। जब रंगरा पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया तो पूछताछ के क्रम में उसकी निशानदेही पर देसी कट्टा और कारतूस बरामद किया गया। एसडीपीओ ने बताया कि घटना में चार युवकों का नाम सामने आ रहा है। घटना के वक्त सभी युवक मोटरसाइकिल से थे। बीएनपी न्यूज के लिए भागलपुर से संवाददाता अभिषेक आनंद की रिपोर्ट। एक घटना हमारे यहाँ हुआ था 31 दिसंबर की रात्रि में। एक रेलवे में है मुकेश कुमार गेटमैन थे रगड़ा के पास में, उनकी हत्या हो गई थी। तो ये हम लोग के लिए काफ़ी चैलेंजिंग इसलिए भी था कि रेलवे कर्मचारी का हत्या हो गया था और इसमें जो हम लोग समझ पा रहे थे कि शायद रेलवे गुमटी को खोलने बंद करने को लेकर के ये विवाद हुआ होगा और उसमें कुछ सरकारी लोगों के द्वारा हत्या कर दिया गया होगा। उसमें एसपी साहब के द्वारा एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी लगातार काम कर रही थी तो उस समय से ही हम लोगों को थोड़ा थोड़ा सूचना मैनुअल मिलने लगा था कि इसमें कुछ लोगों का हाथ है। उसके पीछे लगातार लगभग 3 महीना उद्भेदन होने में लग गया, अरेस्टिंग होने में लग गया। उद्भेदन तो उसी समय हम लोग कर लिए थे। तो उसमें कल आज मॉर्निंग में एक लड़के की गिरफ्तारी हुई है और उसने अपना क्राइम करने की बात को स्वीकार कर लिया है और बताया है कि इनके साथ में और कौन कौन था और घटना का कारण क्या था। इनके निशानदेही पर, इनके कन्फेशनल के आधार पर एक देसी कट्टा और दो कारतूस भी बरामद हुआ है जिसका उपयोग मृतक को क्षति पहुंचाने में किया गया था। इसमें और कुछ लोग हैं जिनकी अरेस्टिंग के लिए टीम लगातार काम कर रही है, लगातार हम लोग उसमें छापेमारी कर रहे हैं तो जल्दी से जल्दी बाकी लोगों की गिरफ्तारी हो जाएगी। गिरफ्तारी किन की हुई है? गिरफ्तारी ये सौगंध कुमार पिता रघुनंदन यादव भवानीपुर के रहने वाले हैं। कहाँ से गिरफ्तारी हुई? गिरफ्तारी नौगछिया से हुआ है, स्टेशन के पास से। इसमें आरपीएफ का भी अहम भूमिका है क्योंकि हम लोगों ने आपको बताया कि मैनुअल और टेक्निकल दोनों पर काम कर रहे थे तो जो उस समय मैनुअल सूचना मिला था टेक्निकल के आधार पर जो हम लोग एस्टेब्लिश कर पाए थे कि यही अभियुक्त हो सकते हैं उनका फोटो हम लोगों ने सब जगह दे रखा था। इसके बाद में आरपीएफ की तरफ से एक सूचना मिली कि सर इसी टाइप का एक लड़का यहाँ दिखाई पड़ रहा है। फिर हम लोगों ने वहाँ रेड किया और उसको पकड़ा। फिर उसने स्वीकार कर लिया कि हाँ हमने घटना किया है। घटना करने के बाद लगातार वो रसलपुर में थे, उनका कोई रिश्तेदार है यहीं रहते थे, कभी जगतपुर में, कभी रसलपुर में, कभी भागलपुर में। भागलपुर में हाल फिलहाल में वो शादी भी किए हैं तो ज़्यादातर ससुराल में रहते थे। सर पूछताछ में क्या बताया, क्या कारण था? पूछताछ में इन्होंने ये बताया कि ये लोग कहीं शराब पिए थे 31 तारीख की रात में और सिगरेट उगरेट पीने के लिए कहीं जा रहे थे। तो ये गैंग गेटमैन जो है पहले से इनसे रिलेटिव मतलब संपर्क में रहते थे तो इनसे सिगरेट पीने के लिए पैसा इन्होंने मांगा। वो बोला मेरे पास पैसा नहीं है और इसी तरह से बकझक हो गई और उनको गोली मार दी। सर मामले में आ रहा है कि नववर्ष मनाने को लेकर रंगदारी मांगी गई थी? नहीं, वो उनकी आदत है, छोटे छोटे लड़के हैं जो नशा पान करते हैं, हालांकि हम लोग की काफ़ी सख्ती रहती है फिर भी कहीं छुप के कर लेते हैं। और ये 20-21 बरस के लड़के हैं, एकदम यंग एज के हैं और तो इनके द्वारा ये घटना सिगरेट का पैसा मांगने को लेकर हत्या कर दिया। हाँ, सिगरेट का पैसा मांग किए थे कि सिगरेट पीना है पैसा दीजिए, वो नहीं दे पाया। पैसा शायद ना रहा होगा, जैसा सुनने में आया है कि उनका पर्स कहीं छूट गया था घर पे या डेरा पे कहीं छूट गया तो पैसा नहीं था तो बेचारे नहीं दे पाए, लेकिन इन्होंने उसी बात को लेकर के इसकी हत्या कर। और कितना लोग इसमें अभी तो जानकारी प्राप्त हुआ है 3 लोग और हैं, लेकिन बाकी वो तीनों पकड़े जाएंगे तब पता चलेगा कि इसमें और कौन लोग हैं। अभी हमारे टारगेट में इसके अलावा 3 लोग और हैं। अभी जो गिरफ्तारी हुई है सर उनका कुछ आपराधिक इतिहास भी? पहले से तो कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, पढ़ाई लिखाई करने वाले लड़के हैं, पहले से कोई आपराधिक इतिहास। ये लोग आए थे किसी वाहन से या पैदल? मोटरसाइकिल से। मोटरसाइकिल से
लमलम घटना का समय क्या हुआ? घटना का वही टाइमिंग है, लगभग 10:30 बजे का घटना है। वो जो हम लोग जो अनुमान लगाए थे वो एकदम सही था। इनके द्वारा किया गया कि हत्या किया गया और हत्या करने के बाद में इनका डेड बॉडी हत्या किए थे। रेलवे लाइन के बगल में जहाँ चैनल को उठाते हैं गेट बंद करने के लिए, वहीं पर इनसे मुलाकात हो गई और बगझक हुआ और वहीं पर हत्या हो गई। हत्या के बाद में जो है इनको वहाँ से उठा के इनके केबिन में डाला गया ताकि साक्ष्य को छुपाया जा सके और पुलिस को भरमाया जा सके। सर, हत्या में प्रयुक्त हथियार के कट्टा जो बरामद हुआ वही है क्या? हाँ, इनके द्वारा यही बताया गया कि इसी कट्टे से हत्या किए थे और उसके बाद छुपा दिए थे, और जो इसमें शामिल हैं वो सब लोग अलग अलग अपने अपने रिश्तेदार के यहाँ छुप के रहने लगे। गोली कौन मारा था ये अभी थोड़ा और अनुसंधान होने दीजिए।